हे एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन की सो so, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था दैट एक स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग क्यू सिस्टम्स एंड वो वीडियो फुल्ली थ्योरेटिकल था तो जस्ट इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा सो आई हाईली रिकमेंड दैट पहले आप उस वीडियो को देखो एंड ये पर्टिकुलर वीडियो उस थियोरेटिकल वीडियो के एक इंप्लीमेंटेशन है तो इसके अंदर हम एक एक्चुअल स्केलेबल सिस्टम बनाएंगे हम समझेंगे किस तरह से हम रियल वर्ल्ड में नोट जेस को यूज करके क्यू सिस्टम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड एक हाईली स्केलेबल सिस्टम डिजाइन बना सकते हैं सो so, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है छोटा सा मैं रिकैप भी दूंगा दैट हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था बट आई वुड हाईली 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 रिकमेंड दैट आप पहले उस वीडियो को देखो एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को कंटिन्यू करें सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किस तरह से हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को यूज कर सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के क्या ड्रॉबैक्स हैं सो so, उस वीडियो के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था दैट किस तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हमारे डेटाबेस के लिए सही नहीं होती तो उस वीडियो के अंदर हमने मेजरली ये डिस्कस किया था दैट किस तरह से हम क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड नॉन क्रिटिकल टास्क को हम किस तरह से एसिंक्रोनसली कर सकते हैं तो इसको आज हम कोड करने वाले हैं ओके सो आई होप दैट आप सबने ए वाला वीडियो देख लिया होगा सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर इज क्लियर तो अभी पहले हम कोड की तरफ बढ़ते हैं तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए वट आई हैव डन इज़ मैंने एक मॉक नोट जे सर्वर बनाया तो सबसे पहले मैं आपको ये सर्वर दिखाता हूँ दैट हम किस चीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं तो मेरे पास यहाँ पर एक टाइप स्क्रिप्ट कोड है ओके एंड डोंट वरी ये पर्टिकुलर कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कोड के अंदर हम क्या करते हैं हमारे पास एक सिंपल सा एक एक्सप्रेस का सर्वर है सो यू कैन सी दैट ये क्या है ये एक सिंपल सा एक्सप्रेस का सर्वर है इसमें हम क्या करते हैं हम अपने एक्सप्रेस सर्वर को इनिशलाइज करते हैं दैट हमारे पास एक गेट रूट है ये गेट रूट कुछ नहीं करता इट जस्ट सेज हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर इसके अलावा कुछ नहीं एंड इंटरेस्टिंगली हमारे पास यहाँ पर एक पोस्ट रूट है विथ सेज ऐड यूजर टू कोर्स सो यू कैन एज्यूम दैट ये वाली जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल थी ना जिसके अंदर हमने एल एम एस का एग्जाम्पल लिया था सिमिलरली मैं इसी को मॉक कर रहा हूँ ओके सो वॉट आई वॉट डू आई मीन बाय दैट इज़ ये पर्टिकुलर रूट क्या करता है एक यूजर को एक कोर्स के अंदर एड करने का मॉक करता है एक्चुअली में नहीं करता इट्स जस्ट अ मॉक इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीचर्स ओके तो लिट से दैट एज अ स्टूडेंट आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो उसका बैकएंड कुछ ऐसा होगा दैट वेन एवर यू मेक अ रिक्वेस्ट ठीक है तो पहले पेमेंट वगैरह वेरीफाई होगी उसके बाद वॉट आई एल डू इज आई एड यू इन दी कोर्स तो ये एक तरह की फेक क्वेरी है जिसमें आई एम सेइंग लाइक एड यूजर टू कोर्स एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं आपको एक ई सेंड करूंगा दैट डी स्टूडेंट जो आपकी इनरोलमेंट है वो सक्सेसफुल हुई करेक्ट तो ये जो दो टास्क है ये हम करते हैं लाइक अवेट यूजर को कोर्स में ऐड करो एंड फिर हम अवेट करते हैं दैट यूज़र को ईमेल सेंड कर दो एंड फाइनली हम एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे दैट आपकी जो इन्वोलमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई तो ये हमारा प्यारा सा बैक एंड है पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं दैट क्या हर चीज़ सही से चल रही है ओके okay? तो यहाँ पर व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने अपने पैकेज जेसन के अंदर आई हैव अ डेव स्क्रिप्ट आई हैव अ बिल्ड एंड स्टार्ट स्क्रिप्ट तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं एनपीएम रन डेव इससे क्या होगा मेरा डेवलपमेंट सर्वर ऑन हो जाएगा सो यू कैन सी दैट डेवलपमेंट सर्वर इज ऑन एक्सप्रेस सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट एट तो अब हम एक काम करते हैं एक कोर्स के अंदर हम खुद को ऐड करके देखते हैं करेक्ट कैसे काम करता है तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं तो पोस्टमैन के अंदर आ, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूं तो यहां पे आई कैन से लोकल होस्ट लोकल होस्ट कोलन एट थाउजेंड स्लैश एड यूजर टू कोर्स एंड इसके ऊपर मुझे क्या करना है? एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेक्ट जैसे मैं सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा यू कैन सी एडिंग यूजर टू दर्स सेंडिंग ई मेल तो हमारे स्टूडेंट को ई मेल सेंड हो रहा है तो ई मेल सेंडिंग जो सर्वर है ना वो टाइम लेता है ओके okay? तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर क्या किया है ये जो ई मेल सेंडिंग चीज़ है ना ये थोड़ा टाइम लेती है एंड यू कैन सी दट आफ्टर टू पॉइंट जीरो फाइव सेकेंड्स आई एम एनरोल्ड इन टू द कोर्स तो ये पर्टिकुलर जो चीज है वो बिल्कुल सही से वर्क कर रही है तो तो इसमें हमने 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 क्या किया किया यूज़र यूज़र को को कोर्स के अंदर ऐड कर दिया सेंड उसके बाद हमने बोला सक्सेस तो ये हमारा प्यारा सा है जिसको हमें स्केल करना है प्रॉब्लम्स okay. तो तो कर की okay. इस के अंदर वर प्रॉब्लम्स तो स्टेप वन के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो ओके okay? तो पहले आई वुड हाइली रिकमेंड दैट आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करो एंड आप ट्राई करो दैट इस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स -क्या हो सकती हैं ओके okay? एक स्केलेबल एक स्केलेबल लेवल के ऊपर इस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन में व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी देयर तो ठीक है सो so हम बात करते हैं क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं देखो सबसे पहला क्या है ना दैट हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है ना हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है ना वो बहुत ज्यादा आ रहा है ओके okay, हमारा रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है अप्रॉक्स टू सेकेंड्स विच इज़ अ लॉट तो यूजर को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है 2.5 2.05 सेकंड्स का रिस्पांस टाइम इज नॉट गुड रिस्पांस टाइम हमेशा मिले सेकेंड्स में होना चाहिए तो टू सेकंड का सर्वर तो बहुत स्लो है दिस इज नंबर वन नंबर टू क्या है अगर अगर हमारा ट्रैफिक अगर हमारी कॉन्कुरट रिक्वेस्ट ट्रैफिक नहीं बोलूंगा I ट रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा हुई तो क्या होगा उस केस में हमारा जो सर्वर है वो क्रैश भी कर सकता है ओके okay? हमारा जो सर्वर है वो क्रैश कर सकता है लेट्स से अगर फोर थाउजेंड यूजर्स कॉन्कुरेंटली आ गए कॉन्कुरेंटली बहुत ज्यादा इन्वॉलमेंट हो रही हैं तो उस केस में हमारा सर्वर क्रैश भी कर सकता है एंड थर्ड प्रॉब्लम रेट लिमिटिंग रेट लिमिटिंग क्या होता है देखो ये जो सेंड सर्वर है लेट अस से जो हम ये ईमेल सेंड करते हैं लेट से हम इसमें यूज करते हैं सेंड्रेड हम कोई सर्विस यूज़ करते हैं सेंड ग्रेड हो सकता है एस ई एस हो सकता है सिंपल ईमेल सर्विस फ्रॉम ए डब्ल्यू एस किसी भी तरह का एक मेल सर्वर है करेक्ट लेट से फोर थाउजेंड यूजर्स आए फोर थाउजेंड यूजर्स ने हमारा जो कर कोर्स है वो परचेज किया एंड फोर थाउजेंड ई मेल्स अगर हम एक ही सेकेंड में सेंड करने का ट्राई करेंगे तो हो सकता है सेंड ग्रेड या फिर जो ये सिंपल ईमेल सर्विस है ये हमारे अकाउंट को टेम्परेली ब्लॉक कर दें क्यों बिकॉज उसके अंदर एक रेट लिमिटिंग होती है करेक्ट देर इज अ रेट लिमिटिंग रेट लिमिटिंग क्या होता है लेट से हमारी जो रेट लिमिटेड है वो है कि दैट यू कैन ओनली सेंड लेट से टेन ईमेल्स पर सेकेंड करेक्ट लेकिन हमने क्या किया बिकॉज हमारा ट्रैफिक इंक्रीज हुआ फोर थाउजेंड स्टूडेंट्स ने एक ही बार में कोर्स परचेज करने का ट्राई किया तो उससे मेरी रेट लिमिटिंग हिट हो गई ठीक है फोर थाउजेंड मैं काफी बड़ा नंबर ले रहा हूँ बट ठीक है लाइक like, बड़े स्केल के ऊपर कॉन्कोट रिक्वेस्ट बहुत सारी हो सकती हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा हो सकता है जो भी मैं थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहा हूँ फॉर ई सेंडिंग उसमें मेरी रेट लिमिटिंग हिट हो जाएगी एंड मेरा जो अकाउंट है वो टेम्परेली ब्लॉक हो जाएगा एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी बट ऑन द स्पॉट मुझे अभी यही मतलब यही आई दिमाग में तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं करेक्ट इसमें से जो ये वाली प्रॉब्लम है ना कॉन्करेंट रिक्वेस्ट वाली ये तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सॉल्व कर लेगी करेक्ट जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होगा हम क्या कर सकते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से क्या होगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग से मेरे नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ते जाएंगे जिससे मैं ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकता हूँ बट सेमली बट प्रॉब्लम वहीं पे रहेगी दैट एक तो मेरे डेटाबेस के ऊपर नंबर ऑफ क्वेरीज इंक्रीज हो जाएंगी एंड सेकेंडली रेट लिमिटिंग वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम हैंडल नहीं कर सकते करेक्ट रेट लिमिटिंग इज समथिंग जिसको हमें ही हैंडल करना पड़ेगा तो अब देखते हैं दैट किस तरह से हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड इसको थोड़ा सा और स्केलेबल एंड फास्ट बनाते हैं ओके okay, तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करने वाले हम यूज करने वाले क्यू सिस्टम ओके okay? तो सबसे पहले तो देखते हैं दैट इस पर्टिकुलर टास्क में क्या चीज है जो क्रिटिकल एंड क्या चीज है जो नॉन क्रिटिकल है कैन आई से दैट अगर एक स्टूडेंट कोर्स को परचेज करने का ट्राई कर रहा है कोर्स परचेज करना इज़ अ क्रिटिकल टास्क ये तो क्रिटिकल है ये तो होना ही चाहिए राइट ये तो क्रिटिकल टास्क है बिकॉज यूजर ने पेमेंट किया है तो यूज़र एक्सपेक्ट करेगा दैट मेरे को कोर्स का एक्सेस ऑन द स्पॉट मिल जाए लेकिन लेकिन उसको जो ई है इट्स अ नॉन क्रिटिकल टास्क इट्स अ नॉन क्रिटिकल टास्क कोई बात नहीं ना ई थोड़े से डिले के बाद भी अगर जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हो सकता ई मेल टू सेकेंड्स के बाद जाए हो सकता है ई मेल यू नो दस सेकेंड के बाद जाए या फिर थर्टी सेकेंड्स के बाद जाए कोई बात नहीं ईमेल सेंड करना क्रिटिकल नहीं है ओके okay? डीले के साथ जाए कोई दिक्कत नहीं है ऑन द स्पॉट चले जाए कोई दिक्कत नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ना दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर टास्क इज अ नॉन क्रिटिकल टास्क एंड ये मेरे सर्वर को स्लो भी कर रहा है बिकॉज अगर मैं उसको कमेंट आउट कर देता हूँ लेट से हम ई मेल ही सेंड नहीं करते सो वॉट यू विल नोटिस इज दैट जो मेरा ई मेल सर्वर है सॉरी uh, जो मेरा सर्वर है वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है थर्टी सिक्स मिली सेकेंड्स लेकिन अगर मैं यहाँ पर ई मेल को भी सेंड करता हूँ तो उससे क्या होगा मेरा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये जो ई मेल वाली चीज़ है इसको हम क्या करेंगे क्यू सिस्टम पर मूव करते हैं तो लेट्स हाउ टू बिल्ड अ क्यू सिस्टम ओके तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं हम यूज़ करने वाले हैं एक लाइब्रेरी दैट इज़ नोन एज़ बुल एम क्यू ओके तो हम कोई भी क्यू सिस्टम यूज़ कर सकते हैं वी कैन यूज़ रैबिट एम क्यू ओके रैबिट एम क्यू भी अच्छा है हम एस क्यू एस भी यूज़ कर सकते हैं हम काफ् का क्यू सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं तो बट फॉर दिस पर्टिकुलर डेमोस्ट्रेशन लेट्स गो विद बुल एम क्यू ठीक है तो बुल एम क्यू बहुत ही वर्सटाइल बहुत ही स्ट्रॉग है तो बुल एम क्यू को यूज़ करेंगे तो यू कैन जस्ट सर्च फॉर बुल एम क्यू

इनिशलाइज करना है तो यू कैन सी दैट हमें बस क्या करना है एन पी करना है बुल एम को ओके तो अब देखो मैं क्या करूँगा ओके साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ अभी हमारे पास क्या है अभी हमारे पास एक नोट जेस का सर्वर है तो इसको हम नाम देते हैं एच टी टी पी सर्वर ये पर्टिकुलर जो सर्वर है ना ये मेरे पोर्ट 8000 के ऊपर रन कर रहा है करेक्ट तो ये पर्टिकुलर सर्वर रन कर रहा है हम क्या करेंगे हम एक और नोट जेस की प्रोसेस बनाएंगे हम एक अलग सर्वर बनाएंगे जिसके अंदर सारी क्यूज को यूज़ करेंगे दैट्स इट तो ये दो सेपरेट चीज़ें होने वाली हैं दो सेपरेट सर्वर होने वाले हैं इस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं ओके okay? तो कैसे करना है हम क्या करेंगे uh, हम अपने डेस्कटॉप पर जाते हैं तो वेयर इज माई डेस्कटॉप एंड मैं यहाँ पे ओपन करूंगा टर्मिनल ओके okay? तो टर्मिनल को ओपन करते हैं मैं सी डी करूंगा कोडिंग फोल्डर के अंदर एंड यहां पर मैं क्या करूंगा एक न्यू डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा यू नो स्केलेबल सिस्टम क्यूज ओके स्केलेबल सिस्टम हाइफन क्यूज एंड इसके अंदर हम uh, मैंने स्केलेबल की स्पेलिंग गलत कर दी बट दैट्स ओके एंड इसके अंदर हम कर लेते हैं कोड डॉट तो यहाँ पे मैं करता हूँ कोड डॉट जिससे क्या होगा वी एस कोड में मेरे ओपन हो जाएगा तो ये एक सेपरेट कोड है एक बिल्कुल सेपरेट कोड बेस है जिसके अंदर हम सिर्फ क्यूज़ का काम करने वाले हैं ओके तो यहाँ पे सबसे पहले तो एन पी एम एनट कर लेते हैं एन पी एम एन ठीक है तो एन पी एम इनट कर लेते हैं एंटर 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 तो ये मेरा हो गया एन पी एम एनट एंड एक काम करते हैं हम इसमें जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं पर जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर लेते हैं दैट्स ओके ओके तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या करना है हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है बुल एम को ओके तो ये एक डिफरेंट सर्वर है तो मैं यहाँ पे इसको इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर आई कैन से एन पी एम इंस्टॉल बुल एम इससे क्या होगा मेरा जो बुल एम का पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा ओके तो वेट करते हैं सो यू कैन सी दैट मेरा जो बुल एम है वर्जन फाइव इंस्टॉल हो गया एंड सिमिलरली हम यहाँ पर बनाते हैं इंडेक्स फाइल ओके तो यहाँ पर किस तरह से हम स्ट्रक्चर करेंगे हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे क्यूज़ का ओके okay? इसके अंदर हम अपने सारे क्यू के वर्कर्स को रखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए हमें क्या करना है हमें ईमेल सेंडिंग का जो प्रोसेस है वो हमें क्यूज़ के थ्रू करना है ओके okay? तो यहाँ पर आई कैन से ई मेल क्यू डॉट जी एस ओके तो किस तरह से हम काम करने वाले हैं सबसे पहले हमें क्या करना है हमें यहाँ पर बोलना है कॉन्स्ट समथिंगल्स रिक्वायर तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बुल एम क्यू से एक वर्कर को इम्पोर्ट करेंगे ओके okay? एक वर्कर तो यहाँ पर आई कैन से वर्कर तो वर्कर क्या होता है बेसिकली क्यूज़ के ना दो दो कंपोनेंट्स होते हैं नंबर वन इज़ द प्रोड्यूसर ओके तो क्यूज़ के, के अंदर क्या होता है एक होता है प्रोड्यूसर एक होता है कंज्यूमर कंज्यूमर को वर्कर भी बोला जाता है तो अभी हम क्या कर रहे हैं वर्कर होता है जो बेसिकली काम को करता है एंड प्रोड्यूसर होता है जो क्यू के अंदर टास्क को क्यू करता है तो अभी हम क्या कर रहे हैं अभी हम वर्कर के ऊपर वर्क करेंगे ओके okay? वर्कर बनाते हैं तो वर्कर कैसे बनाते हैं बहुत सिंपल है हम यहां पे बोल सकते हैं कॉन्स्ट वर्कर इक्वल्स टू रिक्वायर बुल एम क्यू देन आई कैन से कॉन्स्ट ईमेल वर्कर ठीक है तो हम यहां पे बोल सकते हैं ई मेल वर्कर इक्वल्स न्यू वर्कर ठीक है, है? यहां पर हम देंगे अपनी क्यू का नेम तो लेट से हमारे पास एक क्यू होगी जिसका नाम होगा ई मेल हाइफन क्यू तो ई मेल क्यू के अंदर एंड यहां पर हम क्या करेंगे एसिंक्रोनस फंक्शन ये पर्टिकुलर फंक्शन रन करेगा जब भी हमारी क्यू के अंदर कोई टास्क होगा ठीक है तो अभी हमें नहीं पता हमें यहाँ पर क्या करना है तो ये हमारा क्या है ये हमारा वर्कर है ओके okay? एंड ये हुआ हमारा वर्कर वाला काम तो ये हमारा क्या है ये हमारा वर्कर वाला काम है तो यहाँ पे हम करते हैं जितने भी हमारे वर्कर्स होंगे एंड हमें क्या चाहिए हमें चाहिए प्रोड्यूसर्स ओके okay? तो प्रोड्यूस कौन करेगा ये हमारा जो सर्वर है ये होगा प्रोड्यूसर ओके सो कुछ ऐसा होने वाला है ये हमारी क्यू है ये हमारी क्यू होने वाली है रेडिस ओके रेडिस के ऊपर ऑन आई वन प्लेटफॉर्म हम क्या करेंगे यहाँ से हम टास्क को करेंगे प्रोड्यूस एंड यहाँ पर हम उसको कर लेंगे कंज्यूम तो ये हमारा सिस्टम डिज़ाइन होने वाला है तो प्रोड्यूसर का भी देख लेते हैं डेट किस तरह से हमें टास्क को प्रोड्यूस करना है तो गोइंग बैक टू दी एच सर्वर जहां पर हमारा पूरा सर्वर वाला कोड है यहां पर भी हम क्या करते हैं एनपीएम इंस्टॉल कर लेते हैं बुल एम को ओके तो यहां पर भी इंस्टॉल कर लेते हैं बुल एम तो यहां पर सी वट आई कैन डू एस यहां पर हम करेंगे इम्पोर्ट बिकॉज ये टाइप ऑफ कोड है इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम एंड आई कैन से बुल एम क्यू यहां से हम इंपोर्ट करेंगे एक क्यू ओके ये क्या है क्यू अब हम एक क्यू बनाते हैं कॉन्स्ट ओके ई मेल क्यू इक्वल्स न्यू क्यू एंड सेम क्यू का नेम हमने अपनी क्यू का नेम क्या रखा है ई मेल क्यू तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड इसको हम कर लेते हैं पेस्ट ये हमारी क्या है ई मेल क्यू अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द ई मेल इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द ई मेल ई मेल नहीं भेजना है हमें हम क्या करेंगे इसको हम बोलेंगे अवेट ई मेल क्यू डॉट एड हम उसको क्यू के अंदर ऐड करेंगे हम मेल को एक्चुअली में सेंड नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ इस जॉब को क्या कर रहे हैं क्यू के अंदर ऐड कर देंगे ठीक है तो हर जॉब का एक नेम होगा तो इस जॉब को हम एक नेम दे देते हैं तो लेट से हम यहाँ पर यू uh, नो you know, इस जॉब को हम कुछ भी एक नेम दे सकते हैं तो इस जॉब का क्या नेम दे सकते हैं एक काम करते हैं डेट डॉट नाओ कर देते हैं ओके डेट डॉट नाव इनरोलमेंट आई कुछ भी हो सकता है एंड उसके बाद डेटा हमारी क्यू का डेटा क्या है हम ये पर्टिकुलर जो डेटा है ना ये हम रख देंगे क्यू के अंदर एंड हम क्या करेंगे हम यहाँ पर ई को सेंड नहीं करेंगे तो अब हमारा जो सिस्टम डिजाइन है वो कैसा है दैट अगर कोई भी स्टूडेंट कोर्स के अंदर ऐड होना चाहता है पहले हम उसको कोर्स के अंदर ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे हम ईमेल क्यू के अंदर इनक्यू करेंगे प्रोड्यूस करेंगे क्या दैट किसी को मेल सेंड करना है हम मेल को सेंड नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है बट अभी क्या है अभी जो हमने ये क्यू बनाया ना इसको हमने ना रेडिस के साथ कनेक्ट नहीं किया तो उसको भी हम कर लेते हैं ओके तो वो कैसे करना है आई वन के ऊपर जाना है आई वन के ऊपर हमें क्या करना है वी हैव टू क्रिएट अ फ्री अकाउंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई भी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है जस्ट इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यहाँ पर हम बोलेंगे क्रिएट सर्विस सो यू कैन सी दैट मैंने ऑलरेडी पोस्ट क्रेस एंड काफका की एक सर्विस बना रखी है तो यहाँ पर आई कैन से एक क्रिएट सर्विस एंड मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए रेडेस सो कैन सी दैट य रेडेस ओके तो रेडेस के रेडेस एक इन मेमरी डेटा बेस है एंड उसके ऊपर भी मैंने एक फुल वीडियो बना रखी है रेडेस के ऊपर क्रेश को उसकी सो यू कैन चेकआउट दैट वीडियो तो फ्री प्लान एंड बाकी सब हम डिफॉल्ट ऑप्शन एंड क्रिएटर फ्री सर्विस तो ये पर्टिकुलर आई वन वॉट आई वन मिल डू एस ये मेरे लिए एक फ्री रेडेस सर्वर बनाएगा सो यू कैन सी दैट अभी ये बिल्डिंग स्टेट के अंदर है तो ये हमारा यू है तो इसको हम करते हैं क्लिक टू रिवील एंड कॉपी ओके तो ये हमारा क्या रेडिस का यू है तो एक काम करते हैं इसको हम नोट जे के साथ करते हैं तो ये नॉट नोट जे तो जनरली रहने देते हैं ओके एंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं ओके नेक्स्ट सिक्योर कनेक्शन इसको हम करते हैं डेटा एविक्शन पॉलिसी डेटा एविक्शन पॉलिसी में व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सेट इट टू नो एविक्शन ओके नो एविक्शन अपडेट एट द डेटा इसको हम करते हैं फिनिश सेटअप तो अभी ये क्या ये मेरा रेडिस सेटअप हो चुका है तो अब हमें कनेक्ट कैसे करना है हम यहाँ पे बोलेंगे क्यू एंड यहाँ पर हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कनेक्शन कनेक्शन के अंदर हम क्या बोलेंगे हम यहाँ पे बोलेंगे दैट मेरा होस्ट क्या है होस्ट तो होस्ट क्या है मेरा ये होस्ट है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी होस्ट को एंड ये हम कर देंगे हाँ okay? यहाँ पे पेस्ट वैसे रियलिटी में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आएगा बट अभी के लिए ठीक है ओके मैं यहाँ हार्ड कोड कर सकता हूँ पोर्ट तो ये मैंने कर लिया कॉपी एंड ये हमारा आ चुका है पोर्ट एंड उसके बाद और क्या हमें देना है हमें यहाँ पर देना होता है होस्ट uh, दे दिया पोर्ट दे दिया एक हम देते हैं यूज़र ओके यूजर नेम क्या यूज़र नेम इज़ डिफॉल्ट कॉपी पेस्ट डिफॉल्ट एंड हम यहां पर देंगे पासवर्ड तो हमारा पासवर्ड क्या है तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी ये है मेरा पासवर्ड तो बेसिकली इससे क्या होगा जो मेरी क्यू सिस्टम है जो मेरा ये बुल एम क्यू है ये इस पर्टिकुलर कनेक्शन को यूज़ करेगा ये आई वन को यूज करने वाला आई वन क्लाउड को हमारे रेडेस को यूज़ करने के लिए तो हमारी जो क्यू है वो कहां पर होस्टेड है हमारे आई वन प्लेटफॉर्म के ऊपर रेडेस के ऊपर ओके okay? तो एक काम करते हैं हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा बिकॉज यू कैन सी दैट हमारा जो सर्वर है वो अभी अप एंड रनिंग नहीं हुआ वो अभी रीबिल्डिंग स्टेट के अंदर है तो यहाँ पे हमें अपने रेडिस डेटाबेस का वेट करना होगा जब तक ये अप एंड रनिंग नहीं हो जाता मीन वाइल मीन वाइल हम क्या कर सकते हैं ठीक है मीन वाइल हम कुछ नहीं करते मीन वाइल सिर्फ वेट कर सकते हैं ओके तो वेट करते हैं ओके सो नाउ यू कैन सी दैट मेरी जो ये सर्विस है दिस इज अप एंड रनिंग राइट तो ये मेरी जो सर्विस है वो अप एंड रनिंग हो चुके है यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जो मैं बताना भूल गया दैट हमें हमें क्या करना है बिकॉज हम अब इसको लोकली टेस्ट कर रहे हैं हमें ना इसका एस एस एल डिसेबल करना है ओके एस एस एल डिसेबल करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सर्विस सेटिंग्स कॉन्फिगर एंड यहाँ पर हम बोलेंगे इसको डिसेबल तो एस एस एल को हम कर लेते हैं डिसेबल एंड उसके बाद जब मैं ओवर में जाऊंगा नाउ वॉट यू विल हैव इज़ यू विल हैव अ प्लेन टेक्स्ट ओके तो हम इस पर्टिकुलर यू को यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पे होस्ट को हम चेंज कर लेते हैं तो इन ऑफ़ यूजिंग दिस मैं यूज़ करूंगा ये वाला यू एंड हमारा जो पोर्ट है वो चेंज हो चुका है तो ये अब हमारा पोर्ट है ओके एंड सिमिलरली एक बार हम पासवर्ड को भी री कर लेते हैं एंड यहाँ पर ये यह है मेरा न्यू पासवर्ड ओके तो सेम ही है अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एन पी एम रन डेव लेट सेफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड तो यहाँ पे हम यू कैन सी दैट यस मेरा जो सर्वर है वो अच्छे से वर्क कर रहा है करेक्ट तो अभी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं हमने एक ई मेल क्यू बनाया ओके विच इज यूजिंग बोल एम क्यू एंड रेडिस एंड हम क्या करते हैं जब भी कोई हमें पोस्ट क्वेरी करेगा जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा दैट हम यूजर को क्या करेंगे हम यूजर को कोर्स में पहले ऐड कर देंगे फिर ई मेल को सेंड नहीं करेंगे हम क्या करेंगे हम सिर्फ ई मेल को सेंड करने वाला जो टास्क है उसको हम इनक्यू करेंगे हम सिर्फ क्यू करेंगे तो अब हम अगर वापस आते हैं ओके अगर हम यहाँ पर वापस आते हैं एंड यहाँ पर हम करते हैं सेंड वॉट डू सी वन सिक्सटी मिली सेकेंड्स के अंदर मेरा जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हुआ तो अभी हुआ क्या हमने इस पर्टिकुलर टास्क को क्या किया हमने इनक्यू कर दिया अब ये हमारे क्यू के अंदर है ओके एंड हम इसको देख भी सकते हैं कैसे देख सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें किसी तरह का कोई यूआई सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा किसी भी तरह का यूआई सिस्टम तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक टूल है जिसको हम बोलते हैं रेडस इन ओके तो यू कैन जस्ट इंस्टॉल दिस फ्री टूल रेडिस इन तो मैं आपको दिखाता हूँ दैट रेडिस इन क्या है तो रेडिस इनसाइट्स बेसिकली क्या है रेडिस इन लेट मी जस्ट ओपन इट हेयर या सो दिस इज रेडिस इन तो ये क्या है ये एक फ्री टूल है जिसके अंदर हम रेडिस के अंदर विजुलाइजेशन कर सकते हैं दैट क्या डेटा मेरे रेडिस के अंदर है तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एड अ रेडिस डेटा बेस ओके तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा होस्ट तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं तो मेरा होस्ट क्या है तो दिस इज़ माई होस्ट तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड इसको मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट उसके बाद पोर्ट को भी कॉपी कर लेते हैं फटाफट फट. तो ये मेरा आ गया पोर्ट डेटा बेस एलियस इसको मैं बोलूँगा हमारा यू you नो know, इसको हम बोल सकते हैं आई वन रेडस डी बी स्केलेबल ओके तो कुछ भी एक नाम दे सकते हैं तो अभी मेरे माइंड में यही नेम आया उसके बाद हम यूज़र नेम कॉपी कर लेते हैं यूजर नेम क्या है हमारा डिफॉल्ट उसके बाद हम अपने पासवर्ड को भी कॉपी कर लेते हैं तो ये मेरा है पासवर्ड ये मैंने किया कॉपी अब इसको हम करेंगे पहले टेस्ट कनेक्शन तो टेस्ट हुआ एड एड्रेस तो जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो अभी क्या करेगा इसके अंदर हम यहाँ पे क्लिक करके अब मैं देख सकता हूँ दैट ये मेरी ई मेल क्यू है जिसके अंदर वॉट यू कैन सी दैट हमारे पास एक हैश है एंड ये हमारा डेटा है जो अभी क्यू के अंदर है जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ ये अभी वेट कर रहा है डेटा तो कैन यू सी दैट ये हमारी जॉब uh, का नेम है डी ले जीरो टाइम स्टैम्प है उसके बाद हमारे पास ये डेटा है एंड अगर डेटा को हम ध्यान से देखते हैं लेट मी मीन जूम इन दिटल बिट तो यहां पर अगर हम अपने डेटा को देखते हैं तो ये हमारे डेटा का पे लोड है राइट ये हमारे डेटा का क्या है पे लोड तो ये हमारा डेटा है लेकिन अभी इसके ऊपर कोई भी वर्कर नहीं है वॉट वॉट इज़ अ वर्कर कोई भी ऐसा कंज्यूमर नहीं है जो उसके ऊपर वर्क कर पाए तो वो हम कैसे करेंगे तो जो हमने सेपरेट सर्वर बनाया था ना इसके अंदर हम काम करेंगे कैसे हमने यहाँ पर क्या बोला ई मेल क्यू के अंदर हमने एक वर्कर लिया रिक्वायर किया बोले एम क्यू को ई मेल वर्कर एक टू न्यू वर्कर ये हमारी क्या क्यू का नेम है एंड ये क्यू का नेम शुड बी सिमिलर टू दिस क्यू का नेम एंड एक काम करते हैं कनेक्शन डिटेल्स को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या देना है कनेक्शन ओके okay? तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरा जो ई वर्कर है इसके अंदर हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा तो यहाँ पे वट आई कैन से इस कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स जॉब डॉट डेटा तो ये डेटा के बेसिकली जो भी डेटा हम यहाँ पर इनक्यू कर रहे हैं ना ये जो पर्टिकुलर डेटा वो हमें यहाँ पर अवेलेबल होगा ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर यूटिल्स के अंदर जो मेरे पास ये ई मेल डॉट टी एस फाइल है ना जो एक्चुअली मैं ई मेल को सेंड करने का काम करती थी उसको मैं क्या कर सकता हूँ उसको आई कैन टेक इट हेयर तो मैं यहाँ पर जो ई मेल सेंड करने का काम है ना उसको मैं यहाँ पर ले आ सकता हूँ ओके okay? तो इंटरफेसिस को रिमूव कर लेते हैं बिकॉज ये दिस इज़ नॉट टाइप स्क्रिप्ट एंड मैं क्या करूँगा अब मैं यहाँ पर बोलूँगा मॉक सेंड ई मेल क्यू के अंदर ओके okay? क्यू के वर्कर के अंदर एंड यहाँ पर हम सेंड कर सकते हैं फ्रॉम ठीक है तो फ्रॉम क्या होगा डेटा डेटा डॉट फ्रॉम उसके बाद हमें यहाँ पर सेंड करना है टू तो टू क्या होगा डेटा डॉट टू उसके बाद हम यहाँ पर बोल सकते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होगा डेटा डॉट सब्जेक्ट एंड फिर हमारे पास होगा बॉडी तो बॉडी सेंड कर सकते हैं डेटा डॉट बॉडी तो हम क्या कर रहे हैं इसको हम कर लेते हैं अवेट ओके इसको अवेट कर लेते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं जो काम हम पहले सिंक्रोनसली कर रहे थे जो हम अपने सर्वर के अंदर कर रहे थे अब हम उसको सर्वर के अंदर नहीं कर रहे हम अपनी क्यू के अंदर उसको इनक्यू कर देते हैं एंड ये वर्कर क्या करेगा ये वर्कर हमारी क्यू के अंदर से टास्क को एक एक करके उठाएगा एंड उसको वो प्रोसेस करेगा प्रोसेस करने का मतलब कि ई मेल को एक्चुअली में सेंड करेगा बहुत बढ़िया तो अब हम क्या करते हैं हम यहाँ से बोलते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स एंड यहाँ से हम क्या करेंगे इस ई मेल वर्कर को यहाँ से हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट ओके okay? तो ये हमारा कंज्यूमर है दिस इज़ आर कंज्यूमर एंड यहाँ से एक्सपोर्ट को हटाते हैं ठीक है तो ये हमारा क्या है ये हमारा जो सर्वर है वो रेडी है कूल एंड यहाँ पर हम कुछ कंसोल डॉट लॉग्स भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लगा देते हैं दैट न्यू यहाँ पर हम बोलेंगे दैट यू नो जॉब रिसीव्ड एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं जॉब डॉट आई डी ओके okay, तो हर जॉब की एक आई भी होती है तो जॉब रिसीव उसके बाद हम क्या करेंगे सेंड ई कर देंगे अब हम क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्कर को इस पर्टिकुलर वर्कर को हमें बस क्या करना है यहां पर इंडेक्स डॉट जीएस के अंदर इंपोर्ट करना है तो कैसे सो कॉन्स्ट ई मेल वर्कर इक्वल्स रिक्वायर डॉट स्लैश क्यूज एंड स्लैश ई मेल क्यू दैट्स इट जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे क्या होगा ये पर्टिकुलर वर्कर एक्टिव हो जाएगा दैट्स इट तो अभी हम हाँ इसको स्टार्ट करके देखें तो अभी हमारी क्यू के अंदर वट यू कैन सी दट हमारी क्यू के अंदर एक ही टास्क है एक काम करते हैं थोड़ी सी और इनरोलमेंट कर लेते हैं ठीक है तो अभी कोई भी ईमल सेंड नहीं हो रही तो यहाँ पर मैं फिर से सेंड करता हूँ मैं फिर से सेंड करता हूँ फिर से सेंड करता हूँ सी दट नाइन्टी वन मिली सेकंड में हमारा जो टास्क है वो बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो रहा है सो नाउ वट यू विल नोटिस इस अगर मैं वापस आता हूँ एंड मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ वट यू सी दैट हमारी बहुत सार सिक्स जॉब्स जो है वो हमारी क्यू के अंदर है लेकिन अभी उनको कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहा क्यों बिकॉज हमारी ये वाली सर्विस रनिंग नहीं है तो उसको रन कर लेते हैं तो नोट index enter so now what you will notice job received वन job received टू ठीक है देखो ई मेल सेंड हो रही है कैन यू सी दैट कितनी सारी ई मेल्स सेंड हो रही हैं तो ये पर्टिकुलर जो जॉब्स हैं ये अब हमारी कंप्लीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो अब अगर मैं वापस जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ वॉट यू विल नोटिस इज दैट हमारी जो जॉब्स हैं वो कंप्लीट होनी स्टार्ट हो गई हैं यू कैन सी कंप्लीट होनी स्टार्ट हो गई हैं तो इससे क्या हुआ मेरी ई मेल्स भी सेंड हो रही हैं ई मेरी फीफो प्रिंसिपल पे सेंड हो रही हैं राइट एंड वो एक अलग प्रोसेस में हो रही है तो इससे क्या है देखो मेरा सर्वर भी कितना फास्ट है मेरा सर्वर 119 मिलीसेकंड्स नाइनटीन में मेरा काम कर पा रहा है एंड लेट्स से मैं बहुत सारी कॉन्कुरेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यू कैन सी दैट मैं बहुत सारी कॉन्कुरेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो ई मेल्स है वो धीरे धीरे सेंड होती जाएंगे सो यू कैन सी एलेवन ट्वेल्व धीरे धीरे मेरी ई सेंड हो रही है तो इससे क्या है सबसे पहले तो मेरा जो सर्वर है वो काम को ऑफ कर पा रहा है क्यू के ऊपर राइट right? ये एक डिफरेंट सर्वर है तो मेरे मेन सर्वर के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा एंड यहाँ पर एक बेस्ट पार्ट बताता हूँ क्यू का यूज़ करने का डू यू रिमेंबर दैट हम यहाँ पर एक बात कर रहे थे रेट लिमिटिंग का करेक्ट रेट लिमिटिंग का सो लेट से दैट अगर हमारे अकाउंट में कोई रेट लिमिटिंग है बहुत सारे यूजर्स एकदम से आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हमारा जो ये वर्कर है ना जो हमारा क्यू वर्कर है हम यहाँ पर एक्चुअली में कॉन्करेंसी कंट्रोल भी कर सकते हैं भाई मुझे ना कॉन्करेंसी कंट्रोल लगाना है टेन का इसका मतलब क्या है दैट टेन ई एक बार में ही प्रोसेस होंगी चाहे फोर थाउजेंड यूजर्स आ जाएं, फिर भी सिर्फ टेन एट अ टाइम यूज होंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल हम यहाँ पर लिमिटर्स भी लगा सकते हैं तो लिमिटर का क्या मतलब होता है आई कैन से दैट मैक्सिमम ना मैक्सिमम फिफ्टी जॉब्स को ही प्रोसेस करना इन अ ड्यूरेशन ऑफ वन सेकेंड तो वन इंटू वन थाउजेंड इसका क्या मतलब एक सेकेंड के अंदर सिर्फ फिफ्टी ई मेल्स ही सेंड होनी चाहिए अगर फोर थाउजेंड यूजर्स भी हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक सेकंड के अंदर सिर्फ 50 ईमेल्स को प्रोसेस करना या फिर हम इसको 10 भी कर सकते हैं इसका क्या मतलब दैट 10 सेकंड्स में सिर्फ 50 ईमेल्स ही सेंड होनी चाहिए तो मैं देखो तो क्या कर पा रहा हूँ मैं ना कंट्रोल कर पा रहा हूँ मैं अपनी जॉब्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ किस स्पीड से किस कॉन्करेंसी से मुझे उसको कंज्यूम करना है सो so दैट मेरा जो ईमेल सर्वर है ना उसके ऊपर भी लोड ना पड़े सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ क्यूज़ एंड इस तरह से हम क्या कर सकते हैं हम अपने सर्वर को फास्ट कर सकते हैं हम अपनी नॉन क्रिटिकल टास्क को क्यू के अंदर क्यू कर सकते हैं हम उसको ऑफलोड कर सकते हैं एंड एक सेपरेट प्रोसेस के अंदर हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं हम उसमें वर्क कर सकते हैं एंड बेस्ट पार्ट इज़ हम उसके ऊपर कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड लिमिटर्स को सेटअप कर सकते हैं एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली यू कैन बिल्ड अ रियल स्केलेबल सिस्टम यूजिंग क्यू सिस्टम सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो सो आई होप दैट आपको एक आइडिया लगा होगा किस तरह से क्यू सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है रियल वर्ल्ड के अंदर एंड बेसिकली दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंडिल देन बाय टेक केयर